न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कुछ तो होना चाहिए, इसलिए टोटल टेंशन रिइंफोर्समेंट को दो भाग में दिया, AST1 और AST2। समझने के प्रैक्टिकली तो एक ही बार में लगा दो, समझने के लिए मैंने इसको दो भाग में बांटा, AST1 और AST2। कंप्रेशन स्ट्रेन कितना आ गया, ASC। अब जब आप सिंगली की बात कर रहे थे तो सिंगली में आपका लीवर आर्म डिस्टेंस कितना आया था, d -0.42 x। इतने में किसी को कोई डाउट है, जो हमने कल दो दिन से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ये डायरेक्ट वैल्यू को निकाल, नए स्टूडेंट भी ये डायरेक्ट वैल्यू को अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक। अब लिखो इसको, जो सिंगली रेनफोर्स लिखा है उसके नीचे लिखो इसको, थोड़े वाला करके लिखो और नहीं है जगह तो आप अलग से सिंगली रेनफोर्स करके ये पॉइंट को लिखो। सिंगली रेनफोर्स 0.36 एफसी के एक्सयू इन टू बी जे करो, नोट करो। कोई स्टूडेंट जो रिवीजन बैच की क्लास पूरी पूरी अटेंड किया है और जिसकी हैंड राइटिंग भी समझ आ जाएगी, वैसा स्टूडेंट क्लास के बाद मेरे से मिलना, कॉपी चाहिए थी मेरे को, और जिसने स्टील डिजाइन की क्लास भी पूरी की और जिसकी हैंड राइटिंग भी समझने के लिए है, वो मेरे को क्लास के बाद मिलना, ठीक है। LA1 0.36 FC के XUB 0.87 FY AST D-0.42 XU। ये किसकी बात हो गई, सिंगल की। देखो प्रैक्टिकली ऐसा अलग अलग दिखेगा नहीं, आप ये सोचोगे कि मैडम पढ़ाई है हम लोगों को, पहले हम लोग सिंगली बनाएंगे बी, फिर उसके बाद सर को बोलोगे आपके जो वॉश रहेंगे सर अब एक्स्ट्रा बनाते हैं, फिर अब ये कैसा दिख रहा है डब्ली, तो ऐसा होगा। ये हम किस लिए कर रहे हैं, समझने के, आपको कारण तो समझ आना चाहिए कि क्यों वहां तक पहुंचे, ठीक। सिंगली क्लियर है सबको, 0.36 FC के XUB 0.87 FY AST लिवर आर्म आया D-0.42 X। लिवर आर्म इज अ डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड पेंच। अब मेरा पूरा कैलकुलेशन रहेगा इस एक्स्ट्रा, किस पे, इस एक्स्ट्रा, तो मैं इसको अलग से बना रही हूं, ठीक। ये एक्स्ट्रा को मैंने यहां पर बनाया, ये हो गया ऐसा करके सेक्शन, ठीक। एक्स्ट्रा को बना लो, कितना लगाया था, तीन लगाया था, तीन चार जो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम हमने लिखा AST2 और ऊपर में जो भी लगाया था इसको लिखा ASC। ये मत समझना कि ऊपर नीचे दोनों बराबर होना चाहिए, भाई कंबाइन में तो अलग अलग दिखेगा, बराबर भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पे, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट कितनी, जरूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे बराबर है, ऊपर में कम आ सकता है नीचे में ज्यादा रहना, नीचे में ज्यादा रहता है, ठीक। अब इसमें ध्यान से देखो, जब मैं इस टाइप के एक्स्ट्रा सेक्शन पे बात करूं तो ये हो जाएगा इसका न्यूट्रल एक्सिस। क्या हो गया इसका न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन और नीचे क्या है टेंशन, ठीक। नीचे क्या है टेंशन, ध्यान से देखेंगे, जब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आप टेंशन की बात करो तो टेंशन झेलने के लिए कौन बना है आपका टेंशन रेनफोर्समेंट, और एरिया कितना है AST2। तो क्या मैं जब इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं और लेवल को दिखाऊं तो टेंशन को मैं डायरेक्टली ऐसा दिखा सकती हूँ, ठीक। ये खबर दिखाने की जरूरत नहीं, टेंशन को हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं T2, क्योंकि टेंशन अपने लेवल पे लग रहा है। कितना लग रहा है, तो ये हो जाएगा T2 = 0.87 FY AST2। चेंज बस क्या हो गया यहाँ पर, एरिया, पहले क्या था ये AST1, अब कितना हो गया AST2। देखो टेंशन को कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, टेंशन हमको एनालिसिस में टेंशन नहीं देता, मेन प्रॉब्लम आती है कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन में कंक्रीट है, कंक्रीट हेटेरोजेनस मटेरियल है, और अभी कंप्रेशन में कंक्रीट के साथ कौन है स्टील, कौन आ गया साथ में स्टील, तो अब यहाँ पर हम कंप्रेशन की बात करेंगे, ठीक। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन रेइंफोर्समेंट था, तो टेंशन की बात किया, डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया टेंसाइल फोर्स 0.87 FY AST2। न्यूट्रल एक्सिस
सरफेसेस के ऊपर कंप्रेशन लेने के लिए दो लोग हैं, एक है कंक्रीट और एक है स्टील। हम ये मानते हैं कि जब स्टील आ गया तो पूरा का पूरा स्ट्रेस कंप्रेशन का भी किसको झेलना चाहिए? स्टील। किसको झेलना चाहिए? स्टील को। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, ठीक, पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है वो कौन लेगा? स्टील लेगा, ठीक। अब जब आप स्टील को देखो इससे तो स्टील का क्या है? एक लेवल, लेवल में आप कंप्रेशन को ऐसा करके दिखा सकते हैं, ठीक। इसको बोला सी। क्या बोला इसको? सी। जब भी स्टील कहीं पर भी रहे वो एक लेवल को दिखाता है, कंक्रीट जो है पूरी रेंज को दिखाता है। अब ये सी टू फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इनटू ए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया इस जगह पे स्टील का एरिया कितना है? ए एस सी। कितना है? ए एस सी। अब बात करेंगे स्ट्रेस, फोर्स इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस इनटू ए। अब यहां पर ध्यान दोगे, जब ये जगह पे स्टील नहीं लगा, जब ये स्टील नहीं लगा तो ये पूरा जोन किसका था? कंक्रीट का। किसका जोन था? ये पूरा का पूरा कंक्रीट का। और कंक्रीट में ऊपर के रेक्टेंगल में हर जगह पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही थी? 0.45 MCA। याद करो कल का प्राइमर हर जगह पे कितना आता? 0.45 MCA। बट अब कंक्रीट को हटाया और उसकी जगह पे कौन आ गया? स्टील। तो स्टील का, स्टील ने अपनी जगह बनाई किसको रिप्लेस करके? कंक्रीट। मतलब ये इतना जो गोला गोला दिख रहा है उतना जगह खाली हुआ होगा, तभी तो कौन आया है? स्टील आया। तो कंक्रीट के स्ट्रेस को मैं क्या करूं यहाँ पर? माइनस। कितना माइनस करो? स्ट्रेस की वैल्यू होती है एफएससी। कितना होता है स्ट्रेस? स्टील पे स्ट्रेस का वैल्यू एफएससी। कंप्रेशन स्टील, स्टील वही है, कोई अलग टाइप का स्टील होता नहीं। बस उसको रखना चाहिए था टेंशन जोन में, उठा के रख दिया कंप्रेशन जोन पे। तो अब उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी से आप कम काम करा रहे, उसको अंडर एस्टिमेट किया, उसको एफएसटी नहीं लिख सकते, एफवाई नहीं लिख सकते। आप क्या लिखेंगे इसको? एफएससी। समझ में आ रहा? तो अब मैं आपको बताऊं, इस केस में सी टू मिल गया और दूसरा क्या मिल गया आपको? टी टू। ये एक्स्ट्रा की बात किया। किसकी बात किया? एक्स्ट्रा। बनाओ उसको फटाफट, बनाओ। एफएससी को लिख देते हैं, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। और एएससी को लिखो, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, कंप्रेशन स्टील। ठीक, छोटी छोटी चीजें देखो, एग्जामिनर की मर्जी, वो एक्स्ट्रा वाली चीज को उठा के पूछ लेगा, फर्स्ट वाली चीज को उठा के पूछेगा। आपको डिटेलिंग पता होना यहाँ पर जरूरी, क्योंकि इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। और किसी पेपर में, ये मेरे हिसाब से 23 में कोई पेपर हुआ था, उसमें इस सेक्शन से 3 क्वेश्चन आया था, एएससी पूछा था, एएससी पूछा था और एक डेप्थ का वैल्यू भी पूछा था, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट का। छत्तीसगढ़ का है कि बाहर का याद नहीं आ रहा मेरे को, बट एक पेपर में इसका 3 क्वेश्चन था।
ठीक कोड में एक अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट को जोड़ने के बाद लिखवा दूंगी आपका। मैंने ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट बताया था, ठीक रेंज बताया था कि इसको ऑर्डिनरी बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसको हाई स्ट्रेंथ बोलते हैं। अमेंडमेंट दिया हुआ है, वो अमेंडमेंट को देखेंगे अभी, ठीक है। कल नोट करो, पहले डब्ल्यू को कर लेते हैं कंप्लीट, फिर अमेंडमेंट वाले पार्ट को समझाऊं। जहां भी अमेंडमेंट होगा, जैसे आज से मान लो 3 साल के बाद भी आप अगर आरसीसी पढ़ते हो, तो आप अमेंडमेंट्स को हमेशा अपडेट रखना। अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, नेट में वो मिल जाता है, आप देख लो कि आपने जो पढ़ा